नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि लखनऊ के लोकभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में 56 प्रस्ताव शामिल किए गए थे, जिनमें से 55 को हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं आपको बता दें, 18 नई नगर पंचायत के गठन को मंजूरी मिली है, साथ ही 20 नगरीय निकाय के सीमा विस्तार को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। इसके अलावा बुंदेलखंड के सभी ब्लॉक में प्राकृतिक खेती होगी, इसके लिए 68 करोड़ 83 लाख रुपए पास हुए हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने की प्लानिंग चल रही है, इसके लिए सलाहकार चयन के प्रस्ताव को पास किया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों में प्राकृतिक खेती होगी। हर विकास खंड में 500 हेक्टेयर भूमि पर ये खेती की जाएगी। पहले चरण में प्राकृतिक खेती के 235 क्लस्टर बनाए जाएंगे। यूपी में पिछड़े 100 विकास खंडों का चयन करते हुए उनमें शोध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में 55 प्रस्ताव पारित किए हैं, 56 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे गए, जिसमें से 55 पारित हुए हैं। योगी जी की सरकार में ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही नगर निगम का भी विस्तार किया, नगर पालिका का भी विस्तार किया, नगर पंचायतों का भी विस्तार किया। इस पर 68 करोड़ 83 लाख रुपए का जो परिव्यय आएगा वो राज्य के वित्तीय संसाधनों से इस कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक अवसरों पर इस बात को कहा था कि बुंदेलखंड को हम प्राकृतिक खेती का हब बनाएंगे, जिससे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो वहां से पूरे देश और दुनिया को जा सकें, उस दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लुलु मॉल को राजनीति का अखाड़ा न बनाने के स्पष्ट निर्देश के बाद भी रामनगरी अयोध्या से जगतगुरु परमहंस दास लखनऊ के लुलु मॉल पहुंच गए। वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस ने जगतगुरु महाराज दास को अपने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि जगतगुरु परमहंस दास लुलु मॉल में शुद्धिकरण के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस और जगतगुरु के बीच में कहासुनी भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है और अपने साथ लेकर गई, बाद में छोड़ भी दिया, ऐसा कहा जा रहा है। जाएंगे उनको ये लोग जाने देंगे छुपे से, और हम जा रहे हैं शांति से। मैं अकेले आया हूँ, मैं सिंगल आया हूँ, इनको क्या आपत्ति है? या तो आप ताला लगा दो, यहाँ कोई नहीं जाए। अगर ये जिहाद का केंद्र है, अगर आतंकवाद का केंद्र है, तो मत जाने दो किसी को। आप अंदर जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, क्या आपको रोका जाएगा? मैं भगवा पहना हूँ ना, इसलिए इनको रोक रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देश में जहां राष्ट्रपति चुनाव का शोर एक बार थम चुका है, तो अब बस इंतजार है कि देश का अगला महामहिम कौन होगा। तो वहीं दूसरी तरफ देश के उपराष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए भी कवायद तेज हो चुकी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, सीताराम येचुरी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई विपक्षी नेता भी मौजूद रहे। विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति चुनावों के मद्देनजर अपने संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से होगा। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए 6 अगस्त को मतदान होना है। उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। मार्गरेट अल्वा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लखनऊ में शिक्षा मंत्री के आवास पर शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन हुआ। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर अभ्यर्थियों ने सुंदरकांड का पाठ किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि 12,460 पदों पर साल 2016 से भर्ती प्रक्रिया रुकी है। इसमें लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती की गई है, मगर अब भी 6,000 से ज्यादा अभ्यर्थी भर्ती की तलाश में इधर उधर धक्के खा रहे हैं। कई कोशिशों के बावजूद अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।
राजधानी लखनऊ स्थित बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास पर आज शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है। ये संदीप सिंह का आवास है, यहीं पे आज उन अभ्यर्थियों ने यहाँ प्रदर्शन करके अपनी मांगों को रखा है। हालांकि वो लगातार मंत्री जी से मिलने का समय मांग रहे थे, लेकिन फिलहाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तमाम मंत्रियों का 100 दिन का एजेंडा था, उसमें अपने अपने 100 दिन में क्या कामकाज किया उसको लेकर वार्ता था। तो ऐसे में संदीप सिंह आज घर पर मौजूद नहीं थे, इस वजह से आज प्रदर्शनकारियों का आज संदीप सिंह से मुलाकात नहीं हुआ। लेकिन वो जगह है जहां पे आज प्रदर्शनकारियों ने अपना आध्यात्मिक रूप से भी अपना विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ पे उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया है। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद लगातार नारेबाजी कर रहे थे। उनका साफ तौर पे मांग था कि 12,460 पदों पे जो 2016 में भर्तियां निकली थी अभी भी वो लटकी हुई है, महज 6,000 वहां पे भर्तियां हुई है, बल्कि 6,460 जो भर्तियां हैं वो अभी भी रिक्त हैं, उसको भरा जाए, ये उनका मांग था। हालांकि प्रदर्शनकारियों को यहां से हटा लिया गया है, प्रदर्शनकारियों को यहां से हटा के इको गार्डन भेज, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो माल एवेन्यू का इलाका है ये वीवीआईपी क्षेत्र है, यहाँ पे मंत्रियों का आवास है। ऐसे में यहाँ पे पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, ना ही उसकी इजाजत दी जा सकती है। फिलहाल अब सरकार इस पर क्या कहती है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार का क्या पक्ष है, उन 6,000 पदों जो रिक्त अभी बाकी है, अखिलेश की सरकार में जो 12,460 पदे निकाली गई थी उस पर 6,000 तो भर्ती हुई है, लेकिन 6,460 पदे अभी रिक्त चल रही है। ऐसे में उस पर कब तक भर्ती होगी, उसको आश्वासन क्या मिलता है, संदीप सिंह उनसे उन अभ्यर्थियों से कम मुलाकात करते हैं, इसको लेकर कोई अभी डेडलाइन तो नहीं दिया गया, लेकिन फिलहाल इस पे हमारी नजरें बनी रहेंगी। कैमरा राजेश यादव के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जवाहर भवन में आयुक्त खाद्य और रसद विभाग कार्यालय परिसर में चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन के सातवें दिन जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान जेल भरो आंदोलन भी चलाया गया। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद इंस्पेक्टर ऑफिसर्स एसोसिएशन और कर्मचारी महासंघ की राज्य स्तरीय इकाई के आह्वान पर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेते हुए इको गार्ड भेज दिया। वहीं कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पांडे ने जनता टीवी से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने और क्या है उनकी मांगे, सुनिए। लखनऊ के जवाहर भवन में स्थित जो है खाद एवं रसद विभाग का जो परिसर है कार्यालय का, वहां पे लगातार पिछले 9 दिनों से प्रदर्शन चल रहा था। हालांकि प्रदर्शनकारी जो थे पूरे तरीके से उग्र नजर आ रहे थे, काफी नारेबाजी भी की जा रही थी, पुलिस बल का भी प्रयोग किया गया। हालांकि जो प्रदर्शनकारी थे उनका ये कहना है, तमाम कर्मचारियों को, तमाम उन जो प्रदर्शन में शामिल थे अपने मांगों को लेकर उनको इको गार्डन जो कि धरना स्थल बनाया गया वहां पे उनको पहुंचा देगा। फिलहाल जो प्रदर्शन का नेतृत्व करता है सतीश पांडे जी, उनसे ही हम खास बातचीत करेंगे, उनकी मांगे क्या है और क्या मुलाकात हुई मंत्री जी से जो खाद एवं रसद विभाग के मंत्री हैं और क्या उन्होंने आश्वासन दिए, इस पे बातचीत करेंगे। सतीश जी, लगातार आप अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहा आप मंत्री जी से भी, शायद आपकी मुलाकात हुई, ऐसा आपने कहा कि आपने मुलाकात, क्या उसने कुछ आश्वासन दिया है? देखिए, पिछली 11 तारीख से खाद विभाग के विपणन शाखा के जो निरीक्षक गण हैं अपने प्रवर्तन के अधिकार को वापस लेने के लिए, जो 2016 तक यह प्रवर्तन का अधिकार उनके पास था, लेकिन 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार में यह प्रवर्तन का अधिकार उनसे छीन लिया गया था, उसी अधिकार को वापस लाने के लिए ये पिछले 11 तारीख से आंदोलन कर रहे थे। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, लोक निर्माण विभाग के तबादले में हुए घोटाले पर एक और कार्रवाई हुई है। पीडब्ल्यूडी के प्रधान सहायक संजय चौरसिया सस्पेंड हो चुके हैं। तबादले में संजय चौरसिया की भूमिका पाई गई है संदिग्ध। जून में तबादला हो जाने के बावजूद अपने पद पर जमे रहे हैं संयुक्त सचिव। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप कुमार सिंह हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से, जिस तरीके से लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग में शिकंजा कसता जा रहा है प्रशासनिक अमले पर, वो अपने आप में चौंकाने वाला है? देखिए पूजा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बड़ी कार्रवाई की थी जिसमें ओएसडी नितिन, जो जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री हैं, उनके ओएसडी अनिल कुमार पांडे को सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद एक बार विभाग में हड़कंप मच गया। उसके बाद छानबीन शुरू हुई कि मामला कहां से बिगड़ा था, वो कौन कौन अधिकारी और इसमें संलिप्त थे। इसमें आज जो बड़ी कार्रवाई हुई उसमें जो प्रधान सहायक संजय चौरसिया को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इनकी अहम भूमिका थी, पूरी जो लिस्ट संजय चौरसिया ने तैयार की थी और जो अनिल कुमार पांडे हैं उन्होंने तैयार कराई थी। अनिल कुमार पांडे को जितिन प्रसाद जब मंत्रालय में दिल्ली में हुआ करते थे तब भी उनके साथ में, जितिन प्रसाद के साथ में काम करते थे
और जब उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग मिला तो विशेष सिफारिश के बाद अनिल कुमार जो पांडे थे वो लखनऊ लाए गए थे। मुख्यमंत्री के कार्रवाई के बाद एक तो जांच के आदेशक दिए गए हैं, दूसरी जो जहां से वो केंद्रीय प्रतिनिधि से आए थे अनिल कुमार उनको वहीं पर भेज दिया गया है। जो जो आज जो प्रधान जो अभियंता है उन पर कार्रवाई की गई है उसको लेकर, और जो विभाग में जो छानबीन चल रही है कि इस मामले में और कौन अधिकारी दोषी है, कौन सम्मिलित था, कौन कौन अधिकारी पूरा विभाग चला रहे थे, इन सब चीजों को लेकर अभी जांच चल रही है, आगे और भी कार्रवाई हो सकती है। पूजा बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व आईएएस आराधना जौहरी की उत्तराखंड के मंदिरों में लिखी गई पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्य सेवक सदन में किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने बधाई देते हुए कहा यह पुस्तक देश विदेश में उत्तराखंड के दिव्य मंदिरों के एक प्रामाणिक परिचय के तौर पर जानी जाएगी। द मिस्टी वेल पुस्तक हमारे उत्तराखंड के सभी पौराणिक स्थान, सभी धार्मिक स्थान और हमारे यहाँ की सभी कलाकृतियाँ उन सब पर आधारित पुस्तक है, जिसकी लेखिका आराधना जौहरी स्वयं यहाँ की डीएम रह चुकी हैं। उनके पूज्य पिताश्री भी यहाँ के डीएम रहे हैं, उनका उत्तराखंड से बेहद लगाव रहा है और उस नाते उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उत्तराखंड के सुदूरवर्ती स्थानों को जिनको हम जानते हैं और बहुत सारी जगहों को नहीं भी जानते हैं उन सब को भी अपनी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने उजागर किया है, पुस्तक में उसका विश्लेषण किया है। यह पुस्तक निश्चित रूप से हमारे यहाँ उत्तराखंड के जहाँ धार्मिक स्थानों के महत्व को और धार्मिक स्थानों को सिखाने का काम करेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जीएसटी को लेकर बैठक करी। प्रदेश में जीएसटी बढ़ाने को लेकर मंत्री प्रेमचंद ने विभागीय अधिकारियों से चर्चा की है। इस दौरान जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई विभागीय अधिकारी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने से गुरेज नहीं होगा। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5:25 अहम जिलों का रुख कर लेंगे। आगरा में रेलवे विभाग में नौकरी के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपए की ठगी। कई पीड़ित परिवारों ने एसएसपी से की मुलाकात। एसएसपी आगरा प्रभाकर चौधरी ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए जांच के आदेश जारी किए। झांसी में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने सैकड़ों व्यापारियों के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। खुदरा और फुटकर व्यापारियों के कमजोर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए किया गया अनुरोध। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक का किया लोकार्पण। सेवानिवृत्त आईएएस आराधना जौहरी ने लिखी है पुस्तक। उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी गई है किताब। उन्नाव पुलिस का एक और वीडियो आया सामने। रायबरेली के बिहार क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर अपराधी हरेंद्र पुलिस से यहां छुड़ाकर भाग गया। पीआरवी सिपाही मूक दर्शक बना देखता रहा। आगरा जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र में राशन माफिया सक्रिय। गरीबों के हक पर डाला जा रहा है डाका। पुलिस ने 20 क्विंटल चावल बरामद किया। मथुरा के बालाजीपुरम में शहीद सैनिकों बाबू सिंह के घर स्थानीय पुलिस और पीआरवी की दो टीमें बेटी गरिमा का जन्मदिन मनाने पहुंची। शहीद के भाई सतीश सिंह ने बताया ये हम सबके लिए सुखद अनुभव। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में हरगनपुर गांव के पास तेज रफ्तार स्कूटी सवार तीन लोग पेड़ से टकराए। एक की मौत, दो गंभीर तौर पर घायल। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीएम योगी ने लुलु मॉल पर दिए बयान पर प्रवक्ता का पलटवार। भाजपा संघ पहले दंगा कराता था, अब नमाज प्लांट करके समाज में घृणा फैला रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में देखने को मिला कलयुग के श्रवण कुमार का अनोखा रूप। दो सगे भाई अपने दिव्यांग भाई और मां को पालकी में करा रहे हैं कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा कराकर सेवा करने का दे रहे हैं संदेश। दिल्ली और ग्वालियर रोड जोड़ने वाले आगरा के न्यू दक्षिणी बाईपास पर हादसे के इंतजार में आगरा प्रशासन और एनएचएआई। जगह जगह मिट्टी के धंसने की वजह से हादसे का गड्ढे बने हुए हैं। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में 7 साल के बच्चे के साथ कुकर्म के बाद हत्या का मामला। आरोपी पड़ोसी ने हत्या कर शव को आंगन में ही गाड़ा। बच्चे का सिर कुचलकर की गई हत्या। मथुरा में कूड़ेदान में योगी और मोदी की फोटो लेकर जाने के मामले में बर्खास्त कर्मचारी की हुई बहाली। दो दिन पहले मथुरा नगर निगम के संविदा कर्मचारी बॉबी को किया गया था नौकरी से बर्खास्त। योगी मोदी की फोटो कचरे में ले जाने का वीडियो हुआ था सोशल मीडिया पर वायरल।
आगरा के बलकेश्वर शमशान घाट में जलती चिता के सामने शराबियों ने करी मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। स्थानीय लोगों ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में फिल्म उद्योग से जुड़े प्रदेश के कलाकारों ने की भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड में सरकार की ओर से फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मदरसा परिषद की ओर से मदरसे में शिक्षा और शिक्षक को लेकर अहम फैसला आया सामने। अब टीईटी पास शिक्षक ही मदरसे में शिक्षक हो सकेंगे। अभी तक कम शिक्षा वाले टीचर्स भी मदरसे में तालीम दिया करते थे। यूपी के संत कबीर नगर में मनरेगा योजना को ग्राम प्रधान और ब्लॉक के जिम्मेदारों ने मिलकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया, जिसकी शिकायत डीएम समेत जिले के आला अधिकारियों से हुई है। मनरेगा योजना के तहत 80 मजदूरों को 32-32 दिनों तक काम कराकर कागजों पर दिखाकर भुगतान का हुआ है घपला। लखीमपुर खीरी के नीम गांव कोतवाली क्षेत्र में ग्रामीण चोरों के आतंक से परेशान, बीती रात चोरों ने 3 घरों से लाखों की नकदी गहने सहित कीमती सामान पर हाथ साफ किया। मिर्जापुर में हलिया के 2 गांवों में फैला डायरिया, अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रही है जगह। पेड़ पर टंगे दवा के बोतल और खाट पर लेटे मरीजों का वीडियो वायरल। बरेली में एसएसपी के निर्देशन पर एसपी राजकुमार अग्रवाल ने मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ चलाया अभियान। पुलिस ने एक युवक को 100 ग्राम से ज्यादा स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। भदोही के औरैया थाने को मिली बड़ी सफलता, एक इनामी सहित 6 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। आटिका कार के साथ 2 तमंचा, 6 कारतूस भी बरामद। लखनऊ के ठाकुरगंज में पति की पत्नी, सास और साली ने जमकर कर दी पिटाई। वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल, पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही। आगरा के चौमहा निवासी रफीक पेंटर की अक्टूबर 2021 को संदिग्ध हालत में हुई थी मौत। सच जानने के लिए पेंटर के शव को 9 महीने बाद कब्र से बाहर निकाला गया। शव निकालने की पत्नी ने की थी मांग, प्रशासन ने दी अनुमति। एक्सीडेंट में मारे गए मृतक के परिजनों को इंसाफ दिलाने को लेकर ग्रामीण सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोतवाली के बाहर किया प्रदर्शन। उल्टा प्रदर्शनकारियों पर ही दर्ज हुआ मुकदमा, अब लोग कर रहे हैं कोतवाल को हटाने की मांग। अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र के गांव में मामूली बात को लेकर भाइयों के बीच मारपीट, पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। ताजमहल के पास बसई चौकी पर पुलिस की शह पर चल रहा है ओपन बार, पूरा दिन ठेलों पर लोग खुलेआम पीते हैं शराब। ठेले पर खुलेआम शराब पीने और लेन देन की बात करने का वीडियो हो रहा है वायरल।